गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर ईवीएस बुक ऑफ क्लास फोर। क्लास फोर की ईवीएस की बुक शुरू कर रहा हूँ। आपका चैप्टर सिक्स है, कॉपी खोलेंगे, कॉपी पर क्या लिखेंगे, चैप्टर सिक्स, और डेट डालेंगे जुलाई 15, 2020। हाउसेज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार घर, चैप्टर का नाम लिख लेंगे। और आपको बी ये भी लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई इज अ बंगलो अ स्ट्रांग हाउस, एक बंगलो जो है मजबूत घर क्यों होता है। व्हाई इज अ बंगलो अ स्ट्रांग हाउस, एक बंगलो जो है मजबूत घर क्यों होता है। आंसर, अ बंगलो इज अ स्ट्रांग हाउस बिकॉज, क्योंकि इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स BRICKS, क्योंकि बंगलो जो है ईंटे से बना होता है। सीमेंट, इसमें सीमेंट का भी प्रयोग किया गया होता है। आयरन, लोहे का भी प्रयोग किया गया होता है। एंड वुड, और लकड़ी का भी प्रयोग किया गया होता है। बिकॉज इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि बंगलो जो है ईंटे से, सीमेंट से, आयरन लोहे से और लकड़ी से बना होता है, इसलिए अ बंगलो इज अ स्ट्रांग हाउस, एक बंगलो जो है एक मजबूत घर होता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। पॉज कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन टू, विच टाइप ऑफ हाउसेज आर मेड इन एरियाज हैविंग रेनी क्लाइमेट, विच टाइप ऑफ हाउसेज, किस प्रकार के घर उस इलाके में, उस एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर रेनी क्लाइमेट होता है, बारिशी जलवायु होती है, क्वेश्चन मार्क। आंसर, स्टिल्ट्स, STILTS, स्टिल्ट्स मतलब क्या होता है, स्टिल्ट्स हाउसेज मतलब होता है खंभे पर बनाए गए घर, खंभे पर बनाए गए घर या खंभे पर खड़े घर को क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउसेज आर मेड, बनाए जाते हैं इन एरियाज, उन क्षेत्रों में, हैविंग रेनी क्लाइमेट, जहां पर बारिशी जलवायु होती है। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, रेनी मीन्स बारिशी। एक बार और पढ़े दे रहा हूँ, स्टिल्ट हाउसेज आर मेड, खंभे पर घर बनाए जाते हैं इन एरियाज, उन क्षेत्रों में, हैविंग रेनी क्लाइमेट, हैविंग रेनी क्लाइमेट, जहाँ पर बारिशी जलवायु होती है। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पॉज कर रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तीसरा, व्हाट इज अ फ्लैट, फ्लैट क्या है। आंसर, इन स्काई स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स मीन्स क्या होता है, गगनचुंबी भवन, ऐसे भवन जो कि आसमान को छूते हुए दिखाई पड़ते हैं उनको बोला जाता है स्काई स्क्रैपर्स या गगनचुंबी, गगन मीन्स होता है आकाश, गगनचुंबी भवन या आकाश को छूते हुए भवन। इन स्काई स्क्रैपर्स ए नंबर ऑफ सेपरेट हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, अ नंबर ऑफ, अनेक अनेक घर, अनेक पृथक घर, अनेक पृथक घरों का निर्माण किया जाता है। इन स्काई स्क्रैपर्स अ नंबर ऑफ सेपरेट हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, अनेक पृथक या अलग घरों का कंस्ट्रक्टेड निर्माण किया जाता है। डीज सेपरेट हाउसेज, इन्हीं पृथक घरों को या इन्हीं अलग घरों को या इन्हीं पृथक घरों को आर नोन एज फ्लैट्स, फ्लैट के रूप में जाना जाता है। एक बार और पढ़े दे रहा हूँ, इन स्काई स्क्रैपर्स
अ नंबर ऑफ सेपरेट हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, दीज सेपरेट हाउसेज आर नोन एज फ्लैट्स। गगनचुंबी भवनों में अनेक पृथक घरों का निर्माण किया जाता है, इन्हीं पृथक घरों को फ्लैट के रूप में जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन 3 विद आंसर यहाँ तक लिखना है। पॉज कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डू पीपल मेक वुडन हाउस इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग वुडन लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं। आंसर, पीपल मेक वुडन हाउस इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे जलवायु में लोग लकड़ी के घर बनाते हैं बिकॉज, क्योंकि वुड डज नॉट परमिट कोल्ड टू एंटर द हाउस। क्योंकि लकड़ी घर में सर्दी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती या प्रवेश करने नहीं देती। लकड़ी घर में ठंडी सर्दी को प्रवेश करने नहीं देती। नॉर इट परमिट्स द हीट ऑफ द हाउस टू एस्केप। और न तो लकड़ी जो है घर से गर्मी को बाहर निकलने देती है। लकड़ी घर में सर्दी को प्रवेश करने नहीं देती और न तो लकड़ी गर्मी को घर से एस्केप बाहर निकलने देती है। यही कारण है कि कोल्ड क्लाइमेट के ठंडे क्लाइमेट में, ठंडे जलवायु में लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। एक बार और पढ़े दे रहा हूँ। पीपल मेक वुडन हाउस इन कोल्ड क्लाइमेट बिकॉज वुड डजंट परमिट PERMIT कोल्ड टू एंटर द हाउस, नॉर इट परमिट्स द हीट ऑफ द हाउस टू एस्केप, फुल स्टॉप। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। पॉज कर रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर हाउस बोट्स। हाउस बोट्स क्या हैं, क्वेश्चन मार्क। आंसर, फ्लोटिंग हाउसेज फाउंड इन लेक्स। फ्लोटिंग हाउसेज फाउंड इन लेक्स। लेक्स मतलब क्या होता है, झील। झील में पाए जाने वाले तैरते घर को आर कॉल्ड हाउस बोट्स, को हाउस बोट कहा जाता है। फ्लोटिंग हाउसेज फाउंड इन लेक्स, झील में पाए जाने वाले तैरते हुए घर को हाउस बोट कहा जाता है। दीज आर बिल्ट ऑन बोट्स। इन घरों को बोट्स मीन्स क्या होता है, नौका या नाव पर जो है निर्मित किया जाता है। दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन बोट्स। इन हाउस बोट्स को बोट पर निर्मित किया जाता है। एक बार और पढ़े दे रहा हूँ। फ्लोटिंग हाउसेज फाउंड इन लेक्स आर कॉल्ड हाउस बोट्स। झील में पाए जाने वाले तैरते घरों को हाउस बोट कहा जाता है। इन घरों को नौका पर या नाव पर निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक आपको राइट करना है। पॉज कर रहा हूँ। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6। विच बिल्डिंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पक्का हाउस। पक्के घर को बनाने में किस प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग सामग्री की जरूरत होती है। आंसर, ब्रिक्स ईंटे की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, आयरन रॉड्स लोहे के छड़ की जरूरत होती है इत्यादि। आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पक्का हाउस। आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पक्का हाउस।
वृक्ष, ईटा, सीमेंट, आयरन रॉड्स इत्यादि की जरूरत पक्के घर को बनाने में होती है। वृक्ष, सीमेंट, आयरन रॉड्स एट्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पक्का हाउस। यहाँ से यहाँ तक आप राइट कर लेंगे। पाँच कर रहा हूँ। नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन द रेनी एरिया, बारिश वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? आंसर, स्टिल्ट हाउसेज, खंभों पर घर आर बिल्ट इन द रेनी एरिया। स्टिल्ट हाउसेज में क्या होता है? खंभों पर बनाए गए घर, यानी खंभों के ऊपर बनाए गए घर। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट इन द रेनी एरिया, बारिश वाले क्षेत्रों में स्टिल्ट हाउसेज खंभों पर घर बनाए जाते हैं। यहां से यहां तक आप लिख लेंगे। रुक रहा हूं, पॉज कर रहा हूं। अब लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है? 1 to 7, चैप्टर 6 का 1 to 7 जो क्वेश्चन आंसर कराया हूँ उसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में जोर जोर से बोल कर लिखना है। आपको स्पेलिंग पर ध्यान देनी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर, यूज योर टाइम प्रॉपरली, बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहें एंड ओबे योर पेरेंट्स और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।